नागौर जिले के पदबसर थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल युवक का इलाज के दौरान अजमेर के जेलन अस्पताल में मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजन अस्पताल की मोर्चरी में इकट्ठा हुए और उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही परिजनों द्वारा रेंज IG को ज्ञापन देकर जांच अधिकारी बदलवाने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की गई है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। परबसर निवासी मृतक बाबूलाल पुत्र चौथमल के परिजन गजेंद्र ने बताया कि 10 अगस्त को बाबूलाल को घर से अनजान व्यक्तियों के जरिए बुलाया गया था। बाद में भाई को लिफ्ट जाकर शराब पिलाई गई। शराब पिलाने के बाद 4 से 5 लोगों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें वह वहां पर बेहोश हो गया। उसके बाद मोटरसाइकिल पर अंधेरे का फायदा उठाकर बीच सड़क पर छोड़ दिया और घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। एम्बुलेंस के जरिए बाबूलाल को स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे अजमेर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया। केंद्र ने बताया कि बाबूलाल की रात 12 बजे के करीब इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में उन्होंने पहले ही परबसर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में अजमेर रेंज IG लता मनोज कुमार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन जांच अधिकारी बदलने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की गई है। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परबसर थाना अधिकारी कल्पना सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट में पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देर रात इलाज के दौरान बाबूलाल की मौत हो गई। मामले में अनुसंधान जारी है। सर, मेरे बहनों को 5 बजे के करीब 10 तारीख को वो आयदान जी ने किसी अज्ञात आदमी को भेजा था उनको लाने के लिए। उनको भेजने के बाद होटल पे बुला के शराब पिलाया उनको, तो वहाँ पे शराब फुल नशे में करके फिर उनको है ना, ये आयदान राम और ये रमेश सांचोर और ये राजवीर, इन्होंने मिलके उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में उसको रोड पे पटक दिया। अभी ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट है, ऐसा है मामला। मेरा यही कहना है कि वो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। आपके जीजा का क्या नाम है? बाबूलाल बालोटिया, परबसर के ही है। घटनाक्रम कब हुआ? ये परबसर में पिपलाद रोड पे। हाँ, नहीं, कितने लोग थे वो? 4 जन थे। गिरफ्तार हुए किसी की नहीं? नहीं, एक गायब है, बाकी दो जने हैं काले अंदर, 3 जन है। रिपोर्ट दे दी क्या आपने? हाँ, FIR दी। चाहते हो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? लेकिन सर, हमने 10 बजे सुबह गए थे तो रात को 10 बजे हमारा FIR दर्ज हुआ और हमारे पे दबाव बनाया गया कि ये एक्सीडेंट मामला है, आप एक्सीडेंट का केस बनवाओ जबरदस्ती। हाँ, अजमेर रेफर, ये इन्होंने ही भेजा था सब, इनका ही गेम। हमको तो पता ही नहीं, हमको बोला अजमेर है तुम्हारा जीजा, हम इधर आए तो आगे हत्या हुई है, मैं कन्फर्म है। आपका नाम बताओ? गजेंद्र।